हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी विंटर की सबसे कॉमन सी प्रॉब्लम जो गर्ल्स बॉयज दोनों को होती है, जो कि है डैंड्रफ। सो आपको पूरे साल अगर डैंड्रफ नहीं होता है ना, तो भी आपको विंटर में ज़रूर डैंड्रफ हो जाएगा। आज मैं आपके साथ एक ऐसा सोल्यूशन शेयर करूंगी जिससे आपकी जो स्कैल्प की डैंड्रफ है वो भी दूर हो जाएगी, आपकी जो स्कैल्प है वो नरिश भी रहेगी। बिकॉज हमारे जो विंटर में स्कैल्प होती है वो ड्राई हो जाती है, रूट्स ड्राई हो जाती है, तो बाल जो है जड़ से निकल के आते हैं। क्योंकि डैंड्रफ हो जाती है तो बाल भी वीक हो जाते हैं, लाइक जो हेयर होते हैं वो हो जाती है। तो इस चीज़ का ये सोल्यूशन है कि डैंड्रफ भी जाएगा, हेयर जो है रूट्स भी स्ट्रांग हो जाएगी, एंड प्लस आपकी जो हेयर है मेरी तरह सिल्की एंड स्मूथ हो जाएंगे, मैनेजेबल हो जाएंगे, एंड शाइन जो है इसमें बहुत ज़्यादा आ जाएगी। सो ये जो सोल्यूशन है आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इस विंटर में, एंड मिस मत कीजिएगा। मैं जो ये सोल्यूशन 15 डेज में 2 टाइम यूज़ करती हूँ, बिकॉज मुझे ये रेगुलर रहता है, मुझे इतनी ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं वीक में एक बार अप्लाई करती ही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, लाइक अभी आपका जो सर है वो दिखता ही नहीं है एंड डैंड्रफ ही डैंड्रफ दिखता है, एंड आप जो है थोड़ा ऐसे करोगे तो बहुत सारा डैंड्रफ अगर आपका बाहर आ जाता है, तो आपको जो है सोल्यूशन गाइस वीक में 2 टाइम अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको 1 मंथ में आपका जो डैंड्रफ है वो क्लियर होता दिखेगा। सो आप देख सकते हैं, मैं आपको रिजल्ट दिखा सकती हूँ, मेरा जो स्कैल्प देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे डैंड्रफ नहीं दिखेगा। लाइक रिजल्ट मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे बिल्कुल डैंड्रफ नहीं दिखेगा। सो आप देख सकते हैं डैंड्रफ मुझे भी आते थे पहले, ऐसा नहीं है कि मुझे डैंड्रफ नहीं आते हैं, एंड मुझे आते हैं, एंड आप देख सकते हैं मेरे हेयर कितने ज़्यादा सिल्की हो गए हैं। क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ये आप अगर फॉलो करते हैं तो ये 2-3 चीज़ों पे वर्क करता है, डैंड्रफ, हेयर जो स्मूथ हो जाती है, शाइनी हो जाती है, एंड मैनेजेबल हो जाती है, एंड जो रूट्स होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। सो चलिए, बहुत ज़्यादा बकबक कर ली है मैंने, एंड देख लेते हैं क्या जो है ऐसा ट्रीटमेंट करने वाले हैं। सो इस हेयर सोल्यूशन को बनाने के लिए हमें चाहिए मस्टर्ड ऑयल एंड लेमन जूस। तो मस्टर्ड ऑयल आपको यूज़ करना है एकदम प्योर वाला, जो हम खाने में यूज़ करते हैं वो ही मस्टर्ड ऑयल आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5 टेबल स्पून, बिकॉज मैं अपनी हेयर लेंथ में भी यूज़ करूँगी। अगर आपको सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है और हेयर पे नहीं लगाना है तो आप जो है 3-4 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपको हाफ कट करना है लेमन को, एंड हाफ जो लेमन है उसका पूरा जूस आपको इसमें ऐड कर देना है। सो ये मैं लेमन जूस इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ जो कट करके, एंड आप देख सकते हैं ये दो जो है लिक्विड है गाइस, इन दोनों को आपको मिलाना है पहले, तब तक मिलाना है जब तक ये दोनों जो है लिक्विड एक नहीं हो जाए, एंड एक क्रीमी सा पेस्ट बन जाएगा, एक बहुत ही क्रीमी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। एंड आप देख सकते हैं ये सब हमारा जो ये हेयर सोल्यूशन है इसको आपको धूप में रखना है 15 मिनट्स तक, उसके बाद ये लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो हमें ये लगाना स्टार्ट करना है। सो इसे लगाने से पहले आप अपने हेयर को अच्छे से कॉम कर लीजिए, एंड इसको लगाना आपको स्टार्ट करना है स्कैल्प से, एंड पूरे स्कैल्प को आपको इसे कवर करना है, बालों बालों में नहीं लगाना है, ऊपर ऊपर से इसको अप्लाई नहीं करना है, फिंगर टिप का यूज़ कीजिए, एंड पूरे स्कैल्प में अच्छे से मसाज करते हुए आपको ये अप्लाई करना है। सो मैंने इसमें यूज़ किया है मस्टर्ड ऑयल, जो कि प्योर मस्टर्ड ऑयल है, एंड मस्टर्ड ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारी हेयर को नरिश करता है, उसको शाइनी बनाता है। मस्टर्ड ऑयल हमारी हेयर को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिससे हमें हेयर ग्रोथ में हेल्प होती है। इसमें एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो हमारी स्कैल्प में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, लाइक डैंड्रफ हो जाती है, इचनेस हो जाती है, इरीटेशन होती है, उसको दूर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है लेमन जूस। लेमन जूस में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो हमारी स्कैल्प की गंदगी को दूर करता है, ऑयलीनेस को हटा देता है, एंड प्लस डैंड्रफ को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। सो लास्ट का बचा हुआ भाग जो है वो मैंने पूरे अपने बालों में लगा लिया है, एंड अच्छे से जो है, अगर आपको बालों में नहीं लगाना है तो आप सिर्फ स्कैल्प पे ही कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। सो ये जो आप देख सकते हैं लास्ट में लगाने के बाद अच्छे से आपको इसकी मसाज करनी है ताकि ऑयल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्कैल्प में, एंड इसके बाद इसका एक जूड़ा बना लीजिए, एंड इसको आपको रखना है अपने बालों में 1 घंटे तक, उसके बाद इसे माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। सो आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट, मेरे हेयर सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनी हो गए हैं, एंड कितने ज़्यादा मैनेजेबल लग रहे हैं। स्कैल्प आप देख सकते हैं कितना क्लीन लग रहा है, ये आपकी हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है, एंड प्लस ये आपकी हेयर को स्मूथ एंड शाइनी बनाता है, एंड इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया गाइस, ये जो सोल्यूशन अगर आप अप्लाई करते हैं रेगुलरली 1 मंथ में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, एंड डैंड्रफ इजीली चली जाएगी। एंड या मुझे इंस्टाग्राम पे जो है रिजल्ट दिखाना मत भूलेगा। सो आज के लिए इतना ही, कैसा ही होप आप लोगों के लिए आज का मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर।